जो अपराधी है उनका उनका आज जो जनाजा होने वाला था वो जनाजा हम लोग नहीं करेंगे जनाजा। हमने ये सिद्धांत किया कि उनका जो डेड बॉडी जब हमारे यहाँ आएगा तो हम उनको जनाजा नहीं करेंगे और हमारे जो कब्रस्तान है उनपे वहाँ पे उनके जगह नहीं देंगे और जो उनका फैमिली है उनको भी हम हमारी तरफ से बॉयकॉट किया गया है। जो रेपिस्ट है उसको ऐसा सजा दे कि पूरी दुनिया याद रखे, पूरी दुनिया हमेशा याद रखे जो रेपिस्ट है वो लोग रेप करने से पहले हजार बार सोचे कि रेप करने से हम लोग का ऐसा दर्दनाक मृत्यु होगा। हम लोगों ने आज एक डिसीजन लिया है, डिसीजन है कि जो जो अपराधी है उनका उनका आज जो जनाजा होने वाला था वो जनाजा हम लोग नहीं करेंगे जनाजा, और दूसरा है उनको कब्रस्त भी नहीं करेंगे हम लोग, हमारा गांव के लोग उनको उनका जनाजा भी नहीं करेंगे, उनको कब्रस्त भी नहीं करेंगे, और तीसरा एडिशन है उन लोगों को जो घर है और मतलब समाज से उनको सेपरेट कर दिया गया है, समाज के साथ नहीं रखेंगे। ये डिसीजन क्यों लिया गया है आपने? क्योंकि जो अपराध करता है जो दोषी है उनके विरुद्ध में हम लोगों का मतलब क्या, हम लोगों का रेगुलर क्या है मतलब रेगुलर अपोस करना चाहिए, क्योंकि क्या है मतलब जो दोषी है दोषी का हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, बाकी अभी भी दो अपराधी अभी भी है दो, मतलब हम लोग आप लोगों के माध्यम से ही सुना है कि दो है, लेकिन उन लोग का है कि है प्रशासन का दायित्व है, प्रशासन को निकालना है, अगर वो लोग दोषी है तो पकड़ना चाहिए, पकड़ के जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। यही मान करता हूँ। आज सुबह जब हमको पता चला कि ये जो मेन एक्यूज्ड है तफाजुल लाली उनका डेथ हो गया है तो हम गांव के सारे लोग यहाँ पे बैठे इकट्ठे हुए तो हमने ये सिद्धांत किया कि उनका जो डेड बॉडी जब हमारे यहाँ आएगा तो हम उनको जनाजा नहीं करेंगे और हमारे जो कब्रस्तान है उनपे वहाँ पे उनके जगह नहीं देंगे और जो उनका फैमिली है उनको भी हम हमारी तरफ से बॉयकॉट किया गया है। तो और क्या क्या डिसीजन लिया गया है आप लोगों ने? जो भी अपराध करेगा उनके विरुद्ध में हमारा डिसीजन ऐसा ही रहेगा, उनका जनाजा नहीं किया जाएगा, उनका कब्रस्तान नहीं किया जाएगा उनको। अभी भी पुलिस का कहना है कि दो एक्यूज अभी भी फरार है, पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है उन लोगों को पकड़ने के लिए, तो आप तो क्या कहना? हाँ, हम तो प्रशासन के साथ है, अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको भी पकड़ा जाए और उनको दोषी जो है उनको सजा दिया जाए, कठोर सजा दिया जाए उनको। तो जिस तरह से ये घटना हुई है तो पूरे विषय को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारा ढींग बरबेटी है, हमारे जो यहाँ का एरिया है वहाँ पे हम एक साथ मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा पहले नहीं हुआ है, और जो हुआ ये बहुत बुरा हुआ है, हम दुखी थे उसके लिए, ये होना नहीं चाहिए था, फिर भी हो गया है, जिसने गलती किया है उनको तो सजा मिलना चाहिए बस। बाकी जो दो एकूस है इधर में वो लोग अभी घर में नहीं है, वो तो भाग रहे हैं, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी हम लोग निकाल लेगा, पुलिस लोग निकाल लेगा, उनका जो डर ये उनका तदंत हो रहे हैं। और मैं ये भी आपको आश्वस्त करने चाहता हूँ, बहुत जल्दी हम लोग का मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने ये बहुत गुरुत्व सहकारे लिया और निश्चित भावे वो लोग को जल्दी से जल्दी निकाल के पूरा उनको पनिशमेंट मिलेगा। कल डीजीपी भी यहाँ पर आए हुए हैं, मुख्यमंत्री इस पूरे विषय को लेकर बहुत ही गंभीर है, तो आप भी आप यहाँ पर आए हुए हैं, फैमिली से मिलने के लिए भी आए हुए हैं, तो पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ड्रग्स की तस्करी को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं इधर में, तो बहुत कुछ सवाल है, वो ड्रग्स का भी है, ऐसे जो लोग क्रिमिनल भी हैं, वो जो लोग हैं उनका पुलिस उनको पकड़ने के लिए अभी कोशिश करेंगे, जल्दी उनको निकाल लेंगे हम लोग। तो आप अभी जा रहे हैं मिलने के लिए या अभी मिल चुके हैं? नहीं नहीं, मैं तो उनका घर में भी गया, अभी स्पॉट में भी गया, और अभी जाके मैं आशु को भी मिलेंगे, पब्लिक को भी मिलेंगे,
उनका उन लोग का साथ बात भी करेंगे, उन लोग का मन का विषय में गवर्नमेंट को मुख्यमंत्री को मैं वो लेके बातचीत भी करूंगी। आज यहाँ पर मतलब यहाँ पे जो रेपिस्ट था सबको पता है वो बात कि तीन रेपिस्ट एक मतलब 14-15 साल की लड़की का रेप किया, रेप करके इसी तालाब के पास ऐसे छोड़ के गया था। अभी वो हॉस्पिटल में है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जो आदमी एक आदमी को पकड़ा पुलिस ने, उसको मतलब हम लोग को मॉर्निंग मतलब न्यूज आया कि उसका डेथ हो गया। लेकिन हम लोग का सवाल ये है कि उसको मतलब ऐसे कैसे उसका डेथ हो गया। हम लोग को चाहिए था कि हम लोग कल से प्रतिवाद कर रहे, जो महिला समिति है, जो महिला संस्था है, सब लोग हम लोग प्रतिवाद कर रहे। हम लोग को चाहिए कि जो धर्षणकारी है, जो रेपिस्ट है, उन लोगों को हम लोग को सौंपिए, हम लोग उन लोगों को सजा देंगे। जो सजा देना है, जो लड़की अभी सी इज सफरिंग लाइक लॉट्स ऑफ पेन सी इज सफरिंग, तो हम लोग को चाहिए कि उसको मतलब ऐसा सजा दे जो रेपिस्ट है उसको ऐसा सजा दे कि पूरी दुनिया हमेशा याद रखे। जो रेपिस्ट है वो लोग रेप करने से पहले हजार बार सोचे कि रेप करने से हम लोग को ऐसे दर्दनाक मृत्यु होगा। तो हम लोग को मतलब पुलिस प्रशासन भी है, जो हम लोग का असम सरकार है, सबको यही अनुरोध है कि जो दो रेपिस्ट अभी भी घूम रहे, खुले आसमान के नीचे घूम रहे, उन लोगों को हम लोग को सौंपिए। अगर आप लोग उन लोगों को मतलब ऐसा मौत नहीं दे सकते तो हम लोग देंगे, जो महिला समिति है, जो समाज है, हम लोग उसको ऐसा मौत देंगे कि पूरी दुनिया, पूरी भारतवर्ष याद रखे। तो अभी भी दो नहीं पकड़ा गया है, एक ही पकड़ा गया है जिसका अभी मौत हो गया, उसका डेथ हो गया। आज मॉर्निंग को हम लोग को मिला है उसका डेथ बॉडी, इसी तालाब में मिला है। तो हम लोग को अभी बाकी जो रेपिस्ट है, जो घूम रहे अभी भी, उन लोगों को मतलब पकड़ के हम लोग को सौंपना है। उन लोग को इतना आसान मृत्यु वो डिजर्व नहीं करते। जो लड़की अभी भी सफर करे, उसका हार्ट टूट गया, उसका गला ऐसे फूल गया, 12 to 15 स्टिच उसको पड़ा है हॉस्पिटल में, अभी भी वो हॉस्पिटलाइज है। तो जो वो पेन में है, जो लड़की, उसके हिसाब से तो ये बहुत कम पेन में मरा है, उसका कम पेन में उसका डेथ हुआ है। अच्छा, आप लोग अभी भी प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? हाँ, प्रोटेस्ट अभी भी हम लोग का जारी रखेगा, ऐसे ही होगा प्रोटेस्ट पूरा दिन होगा, जब तक वो बाकी दो कल्प्रिट पकड़ नहीं जाता। हमारा मांग ये है कि जो भी एक को पकड़ा है वो तो है ही, अभी जो दो बाहर है उन दोनों को भी जल्दी से पकड़ना है, और पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देना है उन दोनों को भी। लेकिन कल जो हमारा प्रतिवाद हुआ था उस जगह पे, प्रतिवाद की जगह से वो ढिंग का जो लोकल लोग है, वो लोकल लोग ने बोला था कि जो भी अपराधी है, अपराधी का जो शास्ति होगा वो कड़ी से कड़ी होना चाहिए। लेकिन वो हमारे मांग को लेकर आज सुबह इस जगह पे लाया था वो अपराधी को, लाके जब उसका इंक्वायरी के लिए ले आया था, और इंक्वायरी के लिए जब ले आया था वो पानी में उतर पड़ा अपराधी। लेकिन उतरने के बाद जब आज सुबह ये खबर मिला सारे धिंगवासी को, वो खबर मिलने के बाद धिंगवासी किसी के मत पे धिंगवासी अभी हंस रहा है, यही हमारे के लिए अच्छी बात है। किसी के मत पे हंसने का कहीं पे नजारा नहीं है, लेकिन आज किसी की मत पे हंस रहा है धिंगवासी। लेकिन हम जो दो लोग अभी बाहर है, उन दोनों को भी हम लोकल प्रशासन को यही बात बताना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उनको भी अरेस्ट कीजिए, और कड़ी से कड़ी सजा उन दोनों को भी दीजिए। तो आप लोग प्रोटेस्ट जरिए प्रोटेस्ट तो वो लोकल धिंग आसो, धिंग व्यवसायी संस्था और लोकल जो वुमेन लोग है, उन लोगों ने प्रोटेस्ट तो जारी रखने के लिए बोला है।